हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैंने बनाया है मसालेदार अक्खा मसूर बिरयानी, और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, चलिए देखते हैं रेसिपी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे मैंने लिया है 3 प्याज, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। 2 टमाटर को मैंने चॉप करके रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, 2-3 लौंग है, 3 काला मरी है, 2 फूल है, और यहाँ पे मैंने अक्खा मसूर को 2 ग्लास पानी के साथ बॉईल करके रख दिया है, हल्का सा नमक डाल के। इसे हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। फिर मैंने लिया है 3 सूखे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धना पाउडर, मिर्ची का पाउडर 1-1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच नमक। यहाँ पे 2 अंडे को भी मैंने बॉईल करके अच्छे से चॉप करके रखा है, 2 आलू को भी मैंने चॉप कर लिया है, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने रखा है। उसके बाद सबसे पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। आलू जब फ्राई होगा तभी मैं हल्का सा नमक डाल दूँगी उसके अंदर, जिसमें आलू में नमक का टेस्ट आ जाएगा। तो आलू अच्छे से ब्राउन हो गए हैं तो मैं इसे निकाल लूँगी। वही तेल के अंदर सबसे पहले मैं उसके अंदर डालूंगी कड़ी पत्ता और कांदा। कड़ी पत्ता और कांदा डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कांदा हल्का सा नरम हो जाने तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। अच्छा, कांदा नरम हो जाएगा तभी मैं इसके अंदर गरम मसाले जो निकाले थे वो डाल दूंगी। आप इसके बदले गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। इसके बाद मैंने 1 चम्मच जो ज़ीरा लिया था वो डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे, कांदा जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्ची को मैंने कट कर लिया है वो डाल दूंगी, और इसे फिर से एक बार अच्छे से भून लूंगी जब तक अदरक लहसुन का जो स्मेल है वो कच्चापन निकल ना जाए तब तक। उसके बाद उसके अंदर मैंने 2 टमाटर जो चॉप करके रखा था वो डाल दूंगी। अच्छा सा टमाटर जब नरम हो जाएगा उसके अंदर मैं 3 सूखे मसाले नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो अक्खा मसूर निकाला था बॉईल करके रखा था वो डाल दूँगी। हमें अक्खा मसूर ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, देखिए थोड़ा सा कड़क रहने देना उसे, और थोड़ा सा पानी भी उसके अंदर, अक्खा मसूर जब हम बॉईल करते हैं तो उसका पानी भी आप रहने देना, और थोड़ा सा पानी के साथ अक्खा मसूर डाल देना। उसके बाद जो हमने आलू को बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। देखिए कितनी मसालेदार और टेस्टी लग रही है। उसके बाद ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे, और 2 अंडे जो हमने बारीक कट करके रखा था वो डाल देंगे। तो ये हमारा मसूर, जो अक्खा मसूर है वो रेडी है। अब हम चावल को बॉईल होने रख देंगे 2 ग्लास पानी डाल के। 2 कप चावल लिया है तो इसलिए मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। 1 चम्मच नमक डाल के हमें चावल को बॉईल कर लेना है। चावल आधा कच्चा पक्का हो जाएगा उसके बाद हम चावल का जो उसके अंदर थोड़ा ठंडा पानी डाल के चावल का पूरा पानी एक साथ निकाल लेंगे। उसके बाद पहले हम चावल की एक लेयर लगाएंगे नीचे, उसके ऊपर हम अक्खा मसूर जो हमने फ्राई जो मसाला किया था अक्खा मसूर का वो डाल देंगे। इसका भी एक लेयर लगा लेंगे हम अच्छे से। ये अच्छे से एक लेयर लग जाएगा इसका। उसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा अंडा जो बॉयल एग था वो बचा के रखा था वो डाल देंगे। उसके बाद चावल का एक और लेयर लगा लेंगे हम अच्छे से। इवनली हमें स्प्रेड कर लेना है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर डाल दूँगी। ये देखिए कलर डाल के हमें इसे स्लो गैस पे रख देना है करीबन 15 मिनट के लिए। और ये हमारा जो अक्खा मसूर की बिरयानी है वो रेडी है। इसे आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं, और सूप के साथ है या अपना सलाद के साथ है, आप इसे अच्छे से खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे न्यू हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।